एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज के बारे में जिसमें अगर आपको कोडिंग के बारे में थोड़ा भी नॉलेज हो और अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप घर बैठे बैठे कम से कम 50,000 कैसे कमा सकते हैं। यस, सो बेसिकली इसके लिए थोड़ा सा कोडिंग नॉलेज जरूरी है ना। जैसे कि आप सब जानते हैं कोडिंग आज के ज़माने में कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2020 में बेसिकली हमारी सारी इंडस्ट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड रोबोटिक पे डिपेंडेड हो गई है। हर चीज़ ऑनलाइन एंड मशीनरी से काम हो रही है। तो आज के टाइम पर ये अगर कोडिंग का नॉलेज एंड ये सारी नॉलेज हमें कितना आगे बढ़ा सकती है। तो इसी वजह से एक कंपनी है जिसका नाम है व्हाइट हैट जूनियर। ये क्या कर रही है, ये जो हमारे बच्चों को इनिशियल पीरियड से ही कोडिंग सिखा रही है। एंड बाय बच्चे आई मीन बच्चे लाइक 6 साल से लेके 18 साल के, 18 साल के तो टीनेजर्स हो गए, बट 6 साल के बच्चों को भी कोडिंग सिखा रही है। बच्चों को सिखाने का फायदा ये होता है कि जो 6 साल के बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनका दिमाग ना किसी स्पॉन्ज की तरह होता है। जैसे स्पॉन्ज फटाक से पानी सोक कर लेता है, वैसे ही वो सारा नॉलेज, नो मैटर किस लेवल का नॉलेज हो, वो जल्दी से सीख जाता है। और उनको वैसे ही सिखाना चाहिए। आप ऐसे नहीं कि एकदम प्रोफेशनल टर्म्स उनके साथ यूज़ करो, उनको उनके लैंग्वेज में सिखाना चाहिए, लेकिन वो सीख जाते हैं जल्दी। तो इसी तरीके से ये कंपनी जो है उनको 1-to-1 ऑनलाइन क्लासेस देती है। जैसे कि आप सब जानते हो आजकल तो सारे जगह पे ऑनलाइन क्लासेस चालू है, लेकिन क्या होता है, सारे बच्चे होते हैं और एक टीचर होता है। इनके साथ जो होता है एक स्टूडेंट एक टीचर, तो कैसा 1-to-1 आप उनको ध्यान दे सकते हो और कंप्लीट अटेंशन हो सकता है उनके लिए। तो ऐसे ही आप उनके साथ टीचर बन सकते हो और आप 50,000 तक मंथली कमा सकते हो, 50,000 से ज़्यादा भी आप कमा सकते हो। बहुत सारी ऐसी टीचर्स हैं उनके प्लेटफॉर्म पर जो मंथली लैक्स में कमा रही है। इसलिए मैं आपको ये चीज़ें प्रोसेस में बता दूंगी कि आपको कैसे उनके साथ कमाना है, आप कैसे उनके साथ एनरोल हो सकते हो, कैसे उनको ज्वाइन कर सकते हो। इसके सिंपल 5-स्टेप प्रोसेस है। आपको बेसिकली क्या करना है, आपको बस एक फॉर्म फिल करना है। ओके, मैं आपको फॉर्म का लिंक नीचे दे चुकी हूँ ऑलरेडी, तो आपको कहीं पर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, किसी वेबसाइट में जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो फॉर्म लिंक पर क्लिक करना है, आप सीधा पहुँच जाओगे। आपको तो कुछ ऐसा फॉर्म दिखेगा, उसमें आपको बेसिक आपका नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वो सब देना है और आपको अपने बताना है कि आपके एजुकेशन क्या है। इसके लिए मैं बता दूँ आपका ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है एंड अगर आपका बैकग्राउंड मैथ्स कंप्यूटर साइंस इससे है तो ये आपके लिए एक प्रॉफिट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका बैकग्राउंड साइंस है कंप्यूटर नहीं है तो आपको चांस नहीं है, लेकिन एक प्लस पॉइंट हो जाता है अगर आपका बैकग्राउंड ही वैसा हो। फिर आपको उनको बताना है कि आपका पहले कोडिंग के साथ कुछ रिलेशन है या नहीं, आपको कोडिंग मतलब कहीं सिखा चुके हो या आप कोडिंग कहीं सीखते हो या आपके सब्जेक्ट में कोडिंग है या ऐसा कुछ। तो वो सब बताने के बाद आपको बेसिकली करना है अप्लाई। अप्लाई करने के बाद आपका फॉर्म जाता है उनके पास रिव्यू होने के लिए। अगर उनको आपका फॉर्म पसंद आता है तो फिर वो आपको कांटेक्ट करेंगे। आपका सबसे पहला राउंड होगा टेलीफोनिक राउंड, वो आपसे फ़ोन पे आपका इंटरव्यू लेंगे। आपका अगर उनको आवाज़ अच्छी लगी, आपके बोलने का तरीका उनको अच्छा लगा, तब होगा आपका डेमो लाइव सेशन। ये है आपका 3rd स्टेप। जब लाइव होगा तो ये ऑब्वियसली वीडियो कॉल पे होगा और ये आपको बताएंगे, आपसे पूछेंगे सवाल कि आप अगर स्क्रीन पे बात करो तो कितने कंफर्टेबल हो आप बात करने में, बिकॉज आपको एक बच्चे से डील करना है इसके लिए। उसके बाद जब उनको लगा कि ओके है, ये स्क्रीन पे भी बहुत अच्छे से हैंडल कर पा रहे, तब होगा आपका टेक्निकल नॉलेज चेक। वो चेक करेंगे कि आपको एक्चुअली में कितना नॉलेज है और कैसा है आपका स्पीच, कितना आपको पता है, कितना आपको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। वो सब होने के बाद आपका जो फाइनल स्टेप होता है वो है ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट। तो इस चीज़ को आपको ट्रेन करेंगे वो लोग, ऑब्वियसली ये नहीं बोलेंगे डायरेक्ट जाके सिखा दो, वो सिलेबस के हिसाब से उनके जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है बच्चों को सिखाने के लिए वो चीज़ आपको समझाएंगे, वो आप जाके उनको सिखाओगे। ओके, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि आप यहाँ पे सिखाते हो बच्चों को। ये चीज़ आपको बहुत यूज़फुल है क्योंकि आप ये चीज़ किसी भी अगर स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, बड़े ब्रांड स्कूल में आप लेके जाते हो तो आपको एज अ टीचर ईजिली जॉब मिल सकता है, बिकॉज आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस का है। अगर इससे भी पहले आप कहीं और सिखा चुके हो तो ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट होगा व्हाइट हैट के लिए। तो ये तो बात हो गई कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाओ, लेकिन टूल्स में आपके पास क्या चाहिए, इक्विपमेंट्स में आपके पास क्या चाहिए। तो बेसिक आपके पास या तो लैपटॉप या तो कंप्यूटर होना बहुत नेसेसरी है बिकॉज ये ऑनलाइन क्लासेस है। उसके बाद आपके पास एक अच्छा वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए जिसकी रिक्वायरमेंट मिनिमम 20 MB होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जितना फास्ट स्पीड होगा उतना सामने बच्चों को सीखने के लिए ईजी होगा, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, वो थोड़े से बफरिंग में या थोड़े से ब्लर इमेज में वो बहुत चिड़चिड़ हो जाएगा। 3rd चीज़, आपके पास एक अच्छा क्वालिटी का वेबकैम होना चाहिए। अगर आपके लैपटॉप का क्वालिटी का वेबकैम बहुत अच्छा है
तो टेंशन नहीं है, अगर वो क्वालिटी थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो जाती है तो फिर आपको एक नया अलग वेबकैम सेटअप लेना पड़ेगा और हेडसेट्स होने ज़रूरी है, बिकॉज बात करनी पड़ती है आपको उन लोग से, तो आपकी वॉइस बहुत क्लियर होनी चाहिए, तो आपके पास हेडसेट होना है। ये इतनी छोटी सी रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा उनको और कुछ नहीं चाहिए, बाकी जो भी आपको पढ़ाना है सारे चीज़ें वो आपको खुद नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। तो बहुत सिंपल है गाइस, अगर आपके पास कुछ भी कोडिंग का नॉलेज है या आपका बैकग्राउंड अलग, लेकिन इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएट हो, आपके पास कोडिंग का नॉलेज है, तो आप घर बैठे बैठे अगर 50,000 कमा सकते हो तो कोई क्यों नहीं करना चाहेगा। तो आप जल्दी से आके लिंक से अपना फॉर्म फिलअप कर दो, ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, आपको बस करना है कि आपको बस ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, वो भी छोटे बच्चों को पढ़ाना है, तो आपको वो तरीका आना चाहिए। बेसिकली आपने अगर पहले बच्चों से डील किया तो वो आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। ओके, तो फिर वीडियो को यही खत्म करते हुए मैं बस इतना कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको अगर कुछ और सवाल है तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं सारे सवाल का जवाब दे दूँगी। मैंने लिंक में सारे डिस्क्रिप्शन डाल दी है, इंक्लूडिंग फ्रॉम वेबसाइट एंड उनके फॉर्म के। तो फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट।